तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के थर्ड एपिसोड में। चलते हैं, पहले तो अपने जितने भी वेपन्स हैं, आज सभी वेपन्स पे हमको मेंडिंग लगानी होगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वेपन्स और जी हमारा जो आर्मर है, आर्मर तो हमारा बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। आर्मर पे सबसे पहले मेंडिंग लगानी पड़ेगी, तो आर्मर तो हमारा पूरा का पूरा वेस्ट हो जाना। सबसे पहले हम आर्मर पे मेंडिंग लगाएंगे। अरे भाई, इतनी हेल्थ चली गई यार, हेल्थ तो बहुत चली गई हमारी। ऊपर से जंप करते करते मैं तो मस्ती में जंप करे जा रहा था, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये आ गया हमारा, जंप नहीं करनी पड़ेगी। अब मेंडिंग लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेंडिंग्स की बुक चाहिए होगी, जो मैं पहले ही खरीद के रख ली है मैंने, एमराल्ड्स मेंडिंग्स की बुक। ये फालतू में खुद गया भाई। तो मेंडिंग की बुक्स तो हमारे पास है, अब हमको सिर्फ वो इंचेंट करने के लिए हमारे पास अभी 33 लेवल है, जो कि काफी होगा। मेंडिंग की बुक्स पहले हम ले लेते हैं, मेरा बहुत सारी मेंडिंग की बुक ले ली है। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये अपना आर्मर उतार लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंचेंट करेंगे अपना हेलमेट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्या कर रहा हूँ मैं, कहते हैं गाइस, अभी आपने ये कुत्ता की हद देखी, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। अब ठीक है, सबसे पहले हम करने वाले थे हेलमेट को अपने एंचेंट। तो यहाँ पर दो कॉस्टली है एंचेंट में, तो हमारा हेलमेट अब हो चुका है मेंडिंग में। अरे यार, ये तो बहुत कम एंचेंटमेंट ले रहा है, बहुत सही है भाई। बस हमारा चेस्ट रह गया है, तो वो भी हमारा मेंडिंग में। तो गाइस, हमारा पूरा जो आर्मर है उस पे तो मेंडिंग लग चुकी है एंड वी आर रेडी। तो गाइस, हमारा जो आर्मर है, सब पे मेंडिंग लग चुकी है फाइनली। एंड अब इनको सबसे पहले तो ये जितना भी ये इनका डैमेज हुआ है, उन सबको हमको हील करना होगा। तो हमारे हील करने के लिए हमको चाहिए पड़ेगी एक्सपी, जो कि हमको मिलने वाली है यहाँ से। जो हमारा एक्सपी फार्म है वो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसको टेस्ट भी करना है। आर्मर देखा जाए, धीरे धीरे हील होगा, ये थोड़ा टाइम लगने वाला है, पर आइए आइए आइए, जल्दी आइए। इतना टाइम काय में लग रहा है भाई, ये सब है तो ये ऊपर क्या कर रहा है भाई। उतरी क्रीपर साले, ये कोई जगह है आने की। तो गाइस, हमारा हेलमेट हो चुका है पूरी तरीके से हील, अब हमारा जो बाकी का आर्मर भी हम लोग हील कर लेते हैं। तो गाइस, फाइनली हमारा आर्मर पूरा का पूरा हील हो चुका है। हमारा जो आयरन फार्म है, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, आयरन फार्म नहीं, हमारा जो एक्सपी फार्म है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। उसके देखिए ऊपर सारी स्पाइडर लगी है, सब मरोगे, डाई 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 यू डाई। ये पूरा का पूरा वीट इसको जल्दी से काट लेते हैं, पूरा साफ कर देते हैं। भाई इसको कर तो लिया, लेकिन हम इसे कलेक्ट कैसे करेंगे। कलेक्ट करने के लिए हमको अपना पहले इन्वेंटरी तो खाली करनी पड़ेगी, तो इन्वेंटरी हमारी यहाँ पर करेंगे हम खाली। ये सब हमारा जाएगा यहाँ पर, और इससे बना लेंगे हम वूल, जो कि हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब शायद हमारे पास इनफ स्पेस रहेगा। ओ भाई, क्या खुशी मिल रही है। अरे यार, ये सबसे बोरिंग काम लगता है। तो हमने दोबारा से पूरे के पूरे सीड्स तो लगा दिए, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अरे ये कैसे बच गया, ये हमारा शुगर केन फार्म, ये नीचे का तो पूरा फुल हो चुका है, ये ऊपर का भी ऑलमोस्ट। अभी तो दो बॉक्सेस हैं। कौन है भाई, अरे तेरी थक, तेरी थक, थक, थक। ये हमारा शुगर केन भी काफी बड़े हो गए, इनको भी काट लेते हैं। इसमें तो जगह ही नहीं बची अब। ओए, कहाँ जा रही है, भाग, मेरे से आगे निकल जाएगी। वाकई में मैं इसे मारना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे मर गई। मैं तो एक ही बार मारता था, मुझे क्या पता था कि एक ही बार मर जाएगी, मेरे को तो उसे पालना था। अपने इस आयरन फार्म को हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, ये इतना ज्यादा आयरन नहीं दे रहा है। ये क्या अटक गया है क्या उधर, आई थिंक ये अटक गया है। उतरी, ओ भाई बच गया, मुझे तो लगा था मैं गया, मेरे पास तो ऐसा कोई आर्मर भी नहीं था। सेक्शन 3 से इतनी ऊपर से तो गिरता तो मैं मर ही जाता आराम। गया क्या, गिर गया वो, ये आ गया दूसरा।
तो गाइस इस आयरन फार्म को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये अभी ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कि अगले एपिसोड में हम लोग दूसरा आयरन फार्म बना लेंगे जिससे कि हमको आयरन की कमी ना हो और हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकें। और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।